हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पे जिसको वेट कर रहे थे आप लोग बहुत दिन से, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो CN03/2018 यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियली आ चुका है। आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रखा गया है, कौन सा लास्ट डेट रखा गया है, सारे जानकारी देने वाला हूँ। पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रेलवे का दोस्तों तैयारी करना चाहती हो तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं एक बुक्स प्रिपेयर करके रखा हूँ, रेलवे का ALP और JEE। रेलवे का जो ALP का सेकेंड स्टेज जो CBT 2 होने वाला है, टेक्निकल पार्ट, रेलवे का टेक्निकल JEE और टेक्निकल पार्ट, और DRDO का SEPTEM 9 के लिए, इसरो के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं बहुत सारा MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा हूँ। ये बुक जरूर डाउनलोड कर सकते हो अगर तैयारी करना चाहती हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उसके साथ दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक बुक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों उसके साथ अगर रियली तैयारी करना चाहते हो आप मुझे अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझे फॉलो करने के बाद बहुत सारा वीडियोज है, वीडियो देख के तैयारी भी कर सकते हो। कोई भी इश्यू हो रहा है डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट में। ये दोस्तों देख सकते हो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN03/2018 में आपकी ये वैकेंसी निकल के आया। इससे पहले बहुत सारा जानकारी दे चुका था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, और जो ऑफिशियली है रेलवे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ पब्लिश जो हुआ है, ये आज का डेट में पब्लिश हुआ है। और दोस्तों 2 जनवरी में आपकी 10 बजकर यहाँ पे शुरू होने वाला है। क्लोजिंग डेट जो रखा गया है रात को 11:59 में 31 जनवरी में, आपकी लगभग 29 डेज, 30 दिन आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट जो रखा गया है आपकी 4 फरवरी रखा गया है, और जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रखा गया है ये 5 फरवरी रखा गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रेस्पेक्ट यहाँ पे 7 फरवरी रखा गया है दोस्तों। फर्स्ट स्टेज CBT जो टेंडेंटिव CBT डेट दिया गया है, यहाँ पे अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाला है, अप्रैल और मई 2019 में एग्जाम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर पेशेंस के साथ जरूर देखिए। डेट फॉर CBT रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पहले फंडा आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे। आपकी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे बता रहा है कि 2 स्टेज आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज होगा आपकी, जैसे कि ALP का जैसे नॉर्मलाइज हुआ था ऐसे नॉर्मलाइज होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट के बात करेंगे तो 18 से 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन वगैरह मैं नीचे बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी सारे बता दूंगा। नेगेटिव मार्किंग के बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 में रहेगा आपकी, अगर 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 1 क्वेश्चन राइट गलत हो जाएगा। RRB जोन वाइज शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन एट रेट ऑफ 15 टाइम दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट स्टेज जो लोग देंगे तो वहाँ पे उसके बाद सेकेंड स्टेज को जाने के लिए आपकी 15 गुना ज़्यादा लिया जाएगा। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज पर द रिक्वायरमेंट, ये बढ़ सकता है और कम सकता है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज CBT दोस्तों। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होगा यहाँ पे मेरिट में लिया जाएगा, फर्स्ट स्टेज CBT का लिया जाएगा। तो RRB वाइज शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी एडवाइज थ्रो द ऑफिशियली वेबसाइट RRBs एंड ईमेल दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन लोगों के लिए ईमेल के जरिए में पता चल जाएगा। बैंड आइटम ये सारे आप सबको पता होगा, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग को कुछ बता देता हूँ दोस्तों, जो जो जरूरी है आप लोग को आगे जाके बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पर जो जितना जरूरी है वो उतना पहले बता देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पूछ रहे थे कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस टाइप का होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन A3, B1 और B2, C1 में सी कैटेगरी में होने वाला है। ये कैटेगरी क्या है आप लोग को आगे जाके बता दूंगा। ये सारे रेलवे जो असिस्टेंट लोको पायलट है उससे थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब कम लेवल में है तो भी चलेगा। यहाँ पे दोस्तों नेशनलिटी, सिटीजन ये सारे आपको पता होगा, ये आपको बाद में बता दूंगा। और एज लिमिट के बात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है एज लिमिट जो होगा काउंट होगा 1/1/2019 को आपकी काउंट होगा। और एज लिमिट जो रखा गया है 18 से 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अनरिजर्व कैंडिडेट जो है वो 86 के बीच में आपकी जो पैदा होना चाहिए, बॉर्न है डेट ऑफ बर्थ में। और ओबीसी कैंडिडेट 83 में और एससी एसटी कैंडिडेट 81 के अंदर आप बर्न होना चाहिए। तो उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन लेते हो आज पर गवर्नमेंट रूल 5 ईयर SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों आप लोग को Annexure 1 में बताया गया है। और एग्जामिनेशन फी के बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फी 500 रुपया रखा गया है, जो आप लोग को 500 रुपया ले लेंगे OBC और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे 400 रुपया आपकी रिफंड होगा बाद में, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपया लिया जाएगा, वो भी 250 रुपया आपकी रिफंड किया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारा ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन, रिजर्वेशन ये सारे आप लोग को बाद में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए अभी दोस्तों मेन पॉइंट में आते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट आपकी 2 स्टेज में होने वाला है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकेंड स्टेज CBT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3 स्टेप में आपकी ज्वाइनिंग होगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज के अभी बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज CBT में आपकी ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा, और जिसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 100 का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपकी सिलेबस में पहले से भी बता चुका था दोस्तों, आप लोग के लिए मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, और जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज CBT में, तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ से कितना जनरल साइंस में यहाँ पे दिया गया है और कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन वाइज दिया गया है दोस्तों। टोटल 90 मिनट रहेगा। और दोस्तों मैथमेटिक्स से फर्स्ट स्टेज CBT में 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेज 1 और स्टेज 1। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क दिया गया है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन को 1 मार्क कंटेन करता है, तो टोटल क्वेश्चन जितना रहेगा उतना मार्क है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है। फिर सेकेंड स्टेज CBT को आते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेकेंड स्टेज CBT का डिटेल्स दिया गया है, आपकी जो ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर रहेगा, 2 आवर रहेगा, और 160 मिनट फॉर PWBD मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहेगा, और बेसिक एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा, टेक्निकल एबिलिटी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे भी सिलेबस दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 रखा गया है, और केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 15 रखा गया है, कंप्यूटर साइंस बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का 10 रखा गया है, मतलब एक क्वेश्चन कंटेन करता है 1 मार्क, तो 15 क्वेश्चन को 15 मार्क है। तो टोटल दोस्तों देख सकते हो बेसिक एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल में 10 क्वेश्चन है, तो 10 पढ़ना पड़ेगा, और टेक्निकल एबिलिटी जो है वो आपकी 100 क्वेश्चन है। तो दोस्तों टेक्निकल पार्ट आ गया 100 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल पार्ट आ गया 50 मार्क, तो कुल मिला के 150 मार्क हो गया। फर्स्ट टेस्ट CBT में क्या है, टोटल आपकी नॉन टेक्निकल है। फर्स्ट स्टेज CBT दोस्तों देख सकते हो, फर्स्ट स्टेज में आपकी 100 क्वेश्चन रहेगा प्योर नॉन टेक्निकल, पर यहाँ पे दोस्तों सेकेंड स्टेज CBT में टेक्निकल विथ नॉन टेक्निकल रहने वाला है। इसका भी मिनिमम परसेंटेज रखा गया है, आप लोग को आगे जाके बता दूंगा।
तो 3 ईयर डिप्लोमा और बैचलर डिग्री जो आप अप्लाई करना चाहते हो, जो लोग क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 3 ईयर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो, बैचलर इन डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस दिया गया है दोस्तों। ये सारे आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे जाके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल्स दिया गया है। CMA दोस्त CMA के लिए जो है, CMA के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दिया गया है, और दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जेई भी एक वैकेंसी था। ये सारे ब्रांच उन लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो थोड़ा पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर DV सेल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क शुड बी देम द सेकेंड स्टेज CBT। अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT क्लियर कर रहे हो तो आपकी मार्क नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज को जाओगी तो नॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ अडॉप्टेड द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट स्टेज एंड CBT टू सेकेंड स्टेज CBT। नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपकी फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज तक होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बेस ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेस में आपकी होने वाला है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं अलग एक वीडियोज बना दूंगा। कैलकुलेशन, नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, उनका पूरा फॉर्मूला दिया गया है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो सारे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, हाँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे आपको जानकारी, अभी जो ओवरऑल जानकारी है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हम पोस्ट डिटेल्स को चलते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट डिटेल्स है, क्या क्या सर्टिफिकेट मांगता है, ये सारे डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम पोस्ट डिटेल्स को चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेंट्रलाइज पोस्ट पैरामीटर दिया गया है, आपकी मेडिकल टेस्ट कैसे होने वाला है, कौन सा लेवल में और कितना, और डिपार्टमेंट कौन सा, जूनियर इंजीनियर ब्रिज में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है दोस्तों। आप इसको PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मैं आप लोग को समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, यहाँ पे इसके लिए भी क्वालिफिकेशन दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी इधर नहीं दिया गया है, तो आप लोग को मैं नंबर ऑफ वैकेंसी नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल में, यहाँ पे दोस्तों SC ST OBC ये सारे के लिए दिया गया है, आप लोग को इंडिविजुअली बता दूंगा नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल। यहाँ पे RRB अहमदाबाद के लिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो बताया RRB अहमदाबाद के लिए टोटल 399 पोस्ट है। RRB अजमेर के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो टोटल 67 पोस्ट है, यहाँ पे टोटल के जगह में मैं देख रहा हूँ। तो उसके बाद RRB अजमेर में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो टोटल आपको कुल मिला के 825 है टोटल। और RRB अल्लाहाबाद में दोस्तों, मैं स्पीडली आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। RRB अल्लाहाबाद में यहाँ पे देख सकते हो 1400 पोस्ट है दोस्तों, 1446 अच्छा पोस्ट है। RRB बेंगलोर में दोस्तों देख सकते हो, RRB बेंगलोर में भी बहुत अच्छा पोस्ट है, 708 वैकेंसी है। और RRB भोपाल में दोस्तों देख सकते हो, RRB भोपाल में भी 383 है। RRB भुवनेश्वर में देख सकते हो 29 टोटल, RRB भुवनेश्वर नीचे भी है, टोटल 242 है। RRB बिलासपुर दोस्तों देख सकते हो, बिलासपुर भी बहुत अच्छा पोस्ट है, 404 वैकेंसी है। RRB चंडीगढ़ में दोस्तों देख सकते हो, RRB चंडीगढ़ का 996 दिया गया है। यहाँ पे सारे दिया गया है दोस्तों, PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आगे जाके मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिखा दूंगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों। तो पूरा डिटेल्स, जोन वाइज डिटेल्स मैंने भी आप लोग को बता दूंगा, कैसे अप्लाई करना है वो सारे जानकारी दे दूंगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए। टोटल कुल मिला के वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, JEE का अलग वैकेंसी रखा गया है, और दोस्तों
जो मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट उसका अलग वैकेंसी रखा गया है, वो सारे फाइनली ऑफिशियली मैं थोड़ा बहुत स्पीडली स्पीडली बोल रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।